दूसरे लेग, एक पैर सीधा, एक पैर को यहां से खींचेंगे ऐसा, ठीक है। ये हाथ सीधा, अब इसको ऊपर लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, होल्ड करो उस पोस्चर पे पूरा। एक बार और अपोजिट साइड, इस पैर से वापस एक बार आ जाओ, यहाँ पर दिख रही हूँ मैं आपको अच्छा ना। यस, खड़े हो जाओ वापस, इस पैर को थोड़ा खींचिए ऐसे करके, ये हाथ सीधा रखना है। अब इस पैर पे पूरा वेट उठाते हुए ये उंगली पकड़ लो, ये वाली, होल्ड करो पोस्चर में। एक बार और अपोजिट साइड, ये वाला घुटना उठाइए, ये हाथ सीधा, चलिए पादहस्तासन। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में पादहस्तासन आता है, और टुडे संडे तो संडे को सूर्य नमस्कार तो बनता है। जो लोग आज पहली बार आए हैं वो आज सीखेंगे मेरे से, एक राउंड में पूरा आपको सिखाऊंगी। जो लोग सिटिंग कर रहे हैं, सिटिंग सूर्य नमस्कार लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, कुर्सी पे बैठ के कैसे किया जाता है ना। तो जस्ट होल्ड डाउन, मेरा आपको दिखना चाहिए प्रॉपर, पूरा नीचे से ऊपर तक का दिख रहा है ना। अब सबसे पहले सूर्य नमस्कार जो फर्स्ट टाइम आए हैं आज वो सीखेंगे। सूर्य नमस्कार इज नथिंग बट द पावर योगा। इट इज एक्सेलेंट फॉर रिड्यूसिंग वेट, इट इज एक्सेलेंट फॉर रिड्यूसिंग फैट। आपका फैट परसेंटेज और चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ये। हाँ, 1 2 3 4 से करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सबसे पहले 1, नाउ यू विल सी माय होल बॉडी। यस, आपको नंबरिंग से सिखाएंगे। फर्स्ट पोजीशन, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, प्रणम आसन, इसको क्या बोलते हैं, प्रणम आसन, प्रणाम, सूर्य की तरफ मुंह करके करते हैं, पर मैं कैमरे की तरफ मुंह करके कर रही हूँ क्योंकि तो आप मुझे देख पाए। सेकेंड है हस्तोत्तानासन, हाथों को इस तरीके से खोलते हुए कान के पास लेके जाएंगे, पीछे बैकवर्ड बेंडिंग, हस्तोत्तानासन, सांस लेते हुए पीछे जब जाएंगे बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए, ये लंबर रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है, लंबर, ठीक है। लंबर, थोरेसिक और सर्वाइकल, तीन रीजन होते हैं। तो लंबर से आपको नीचे झुकना है चेस्ट को नीचे लगाने की कोशिश। देखिए जितना आपसे जाते बने पादहस्तासन, ठीक है। थर्ड आसन है, सांसों को पूरी तरह छोड़ दीजिए, यहां से एंकल जॉइंट पकड़ेंगे, पीछे से एंकल को पकड़ेंगे। थर्ड, अब हाथ देखेंगे नीचे, एक लेग आपका पीछे जाएगा, अश्व संचालन,
अश्व संचालन, इसको क्या बोलते हैं? अश्व संचालन। ये फोर्थ नंबर का आसन, आसन के नंबर भी याद होना चाहिए। फोर्थ अश्व संचालन, टेबल टॉप पोजीशन, हदायनुमा, फिफ्थ नंबर का आसन है ये, पूरा टेबल टॉप पोजीशन बना। फिफ्थ, सिक्स्थ अष्टांग नमस्कार, अब यहां से नहीं दिख रहा आपको, इधर उधर है, ये फिफ्थ पोजीशन है, टेबल टॉप पोजीशन के बाद सिक्स्थ में ये पैर टेक दिए, छाती नीचे लगाई, अष्टांग नमस्कार। सिक्स, सेवेंथ में दोनों पैर पास में आए, सेवेंथ भुजंग, एट पर्वत, नाइन अश्व संचालन, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है, तो ये 12 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार। तो नाउ स्टार्ट सूर्य नमस्कार विथ बोथ लेग, जब आपका एक लेग, जो लेग पीछे गया, अगर राइट लेग पीछे गया है तो राइट लेग वापस आता है जब आप सेवन नंबर का आसन बोलते हैं तो आप, ठीक है, तो स्टार्ट विथ नंबर्स, उसके बाद मंत्र के साथ, फिर नंबर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा सूरज उधर उगता है, ठीक है, तो जहां पे आपका सूरज उगता है उधर फेस कर लीजिए, यहां भी उगता है, टेक योर अप्रोच एंड स्टार्ट। 12 बार सूर्य नमस्कार करवाऊंगी आज मैं, गिनती से 12 बार, ठीक है, पूरा दिख रहा है मेरा कहीं से कहीं तक। हाँ स्टार्ट, स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये 2 बार हो गया है, अगेन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, 4 बार, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व सेवन टाइम्स एट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व एट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नाइन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व लास्ट टू टाइम्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व यस। एक बार आप लोग सब करेंगे, मेरे तो हो गए 12, आपके नहीं हुए। सबको स्पॉटलाइट करूंगी फटाफट। टू जल्दी, टू 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 टू, ऐसे पीछे जाना टू। नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, थक गए हो। सीट कंफर्टेबली नहीं हो रहा, अच्छी बात है, वहां तक जाना चाहिए जहां तक नहीं हो रहा। वेरी गुड।
सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे आप लोग। यस संध्या मैम, सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सब लोग थक गए हैं। 10 से 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम, यस स्टार्ट करेंगे। पादुंगुली नमन, एवरीबडी इज टायर्ड, वेरी गुड। सूक्ष्म व्यायाम, पादुंगुली नमन, गुल्फ नमन, गुल्फ नमन, वेरी गुड। एंकल जॉइंट को आगे पीछे करेंगे। संजू मैम वीडियो ऑन कर लीजिए, संजू मिश्रा जी, संगीता निंता वारे मैम, यस गुल्फ नमन, गुल्फ चक्रण, रोटेट, रिलैक्स हो जाओ। ये बिल्कुल रिलैक्सिंग सीरीज है, हर व्यक्ति आराम में आ जाता है इस सीरीज में, इसलिए इसे कराना जरूरी है। थोड़ा टफ थोड़ा लाइट, थोड़ा टफ थोड़ा लाइट, ऐसा सेशन लेना पड़ता है। यस गुल चक्रण, वेरी गुड, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यस गुल्फ घूर्णन, गुल्फ घूर्णन, यस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, गुल्फ घूर्णन, यस संगीता मैम वेलकम, आपका आज वीडियो ऑन है, आप करते हुए दिखिए मैम। हाँ सबके वीडियो ऑन है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। संजू मैम ने भी ऑन कर लिया, वेरी गुड। गुल्फ घूर्णन, बहुत बढ़िया संध्या मैम, जानू नमन, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज है, लाइट एक्सरसाइज की सीरीज है पूरी, सूक्ष्म व्यायाम सीरीज, जानू नमन, वो स्लोली स्लोली पैर को अंदर बाहर करिए। जब पैर पास में लाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, पैर सामने जाएगा तो सांस लेंगे। डीप एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल, पेट दबेगा सांस बाहर, पैर आगे आएगा सांस अंदर। बहुत ज्यादा अपना ब्रीदिंग का बहुत रोल होता है योग में, वी हैव टू इनहेल, फोकस ऑन इनहेल एंड एक्सेल, कब सांस लेना है कब सांस को बाहर छोड़ना है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए पानी का ब्रेक नहीं दिया है, जिसको जिसको पानी पीना है पी ले, वेरी गुड। जानू नमन, यस जानू चक्रण, जानू चक्रण, जानू चक्रण, वेरी गुड। अर्चना मैम, सीमा अंजना मैम, संजीव मिश्रा मैम, संगीता मैम, एवरीबॉडी, सीमा अंजना टू, पूजा साहू मैम, भगवान सिंह जी, विश्वामित्र सर, रश्मि मैम, रश्मि मैम पैर घुमाइए, हाँ बैठे बैठे घुमाइए, हाँ यस, सेकेंड लैग जानू चक्रण,
दूसरे लेग से जानवर चक्र, डीप इनहेल वाइल अपवर्ड मूवमेंट एंड डीप एक्सहेल वाइल डाउनवर्ड मूवमेंट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, जब पैर ऊपर जाएगा सांस लेंगे, पैर नीचे जाएगा सांस छोड़ेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, श्रोणि चक्रण। यस, श्रोणि चक्रण। यस, यस, वेरी गुड। बेबी पोज, बेबी पोज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेबी पोज, जिसका पद्मासन नहीं लगता है उसका लगने लग जाता है बेबी पोज से, बहुत बढ़िया। हाँ, अर्ध तितली, अर्ध तितली, अर्ध तितली आसन, सांसें इररिलेवेंट है। सांसें इररिलेवेंट, सेकेंड लैग अर्ध तितली, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। पूर्ण तितली आसन, पूर्ण तितली आसन, पूर्ण तितली आसन, आपकी इनर थाइस के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फीमेल्स को तो रोज ही करना चाहिए और मेल्स को भी। यस, फॉरवर्ड बेंडिंग, हाँ, बिना कुबड़ निकाले आगे जाएंगे। देखो संध्या मैम रेगुलर आते हैं इसलिए मैं उनको पूरा, मतलब सेशन लगभग 20 मिनट का रेगुलर ले रहे, क्योंकि उनको सब मालूम है किसके बाद क्या करना है। ऐसे आप रेगुलर आएंगे तो एक दिन आपको भी सेशन
देंगे, पूरा सेशन आपको लेना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग सेशन को इस तरीके से देखिए कि आप यदि कोच बन जाएंगे, आप यदि सेशन लेंगे, तो आपको सब पता होना चाहिए। संध्या मैम को सब पता रहता है ना, ठीक है। यस हाँ, पहले मैम मुष्टिका बंद करिए, मुष्टिका बंद, मुष्टिका बंद, ओपन एंड, ओपन एंड क्लोज। जब आप ओपन करेंगे हैंड्स को, हाँ यस, डीपी नेल एंड एक्सेल। जब आप हाथों को ओपन करेंगे ना, तो सांस लेंगे, यहाँ पर भी सांसों का रोल है। ये सूक्ष्म व्यायाम की सीरीज है, सूक्ष्म व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बड़े व्यायामों का बेस रहता है, जितने बड़े व्यायाम रहते हैं ना उनका बेस है ये। यस, मणिबंध नमन, मणिबंध नमन, यस, मणिबंध चक्रण। देखिए कल से हमारा 21 डेज चैलेंज चालू हो रहा है, और स्ट्रिक्टली मैं कल से चालू करने वाली हूँ। तो जो लोग भी यहाँ पे अभी 15 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि आज आपको ग्रुप में जोड़ दिया गया है, और उस ग्रुप में एक आपको ट्रायल वीडियो डाला है, हाँ कर्कोहनी नमन ट्रायल वीडियो डाला जाएगा, जिसके अंदर आपको टाइम स्टैम्प कैमरा से 0 दिखाकर अपने वेट का वीडियो उस ग्रुप में डालना है। भगवान सिंह जी सुन रहे हो? हाँ, कोनी नमन करो, बैठो मत, हाँ मेरी बात सुनते जाओ, आप अपनी एक्सरसाइज करते करते मेरी बात सुनते जाओ। स्ट्रिक्टली आपको सुबह सुबह उठ के और अपना वेट का वीडियो डालना है। इस चैलेंज में आपको आज डाइट प्लान दे दिया जाएगा ग्रुप में, और जिनके हम डाइटिशियन हैं, जिनको हम पर्सनल डाइट प्लान दे रहे हैं, उनके पास तो डाइट है, पर जो मेंबर्स यहाँ पे इनरोल हुए हैं उनको डाइट प्लान दे दिया जाएगा। आज शाम को 4 बजे तक फर्स्ट वेट का वीडियो और लास्ट वेट का वीडियो, मतलब कल है 4 तारीख है ना, तो लास्ट वेट कब आएगा हमारा, जो भी 21 दिन बाद का रहेगा, उसके एक दिन पहले आपको एक एक को कॉल किया जाएगा कि कल आपको लास्ट वेट का वीडियो देना है। आपको सारे पिक्चर्स, जो भी आप डाइट प्लान ले रहे हैं एक्चुअल, उसकी फोटो आपको ग्रुप में डालनी है। जैसे अभी मैंने अफ्रेश पिया है ना, तो मैंने क्या करा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस अफ्रेश का फोटो खींचा और फटाक से ग्रुप में डाल दिया कि मैंने ये न्यूट्रिशन लिया है, मैंने अभी कैल्शियम की गोली खाई, मैंने अभी फाइबर की गोली खाई, है ना, जैसे मैंने ये अफ्रेश पिया तो अफ्रेश का फोटो लिया ऐसा, यू यहाँ पर रखा फ्रेश कम्युनिटी के साथ, इसको यहाँ रख देते हैं लैपटॉप पे, बढ़िया फोटो आएगा। अब मैं ग्रुप में डाल के शेयर करती हूँ कि मैं अपना फ्रेश पी रही हूँ। टाइम स्टैम्प कैमरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें डेट और टाइम आता है। अच्छा, कालीन पे मशीन नहीं रखना है ना, हाँ चलिए मैम, स्कंद चक्रण करिए, स्कंद चक्रण, हाँ मशीन जमीन पे होना चाहिए, दीवार पकड़ के वेट नहीं देना है, बहुत सारे इसके रूल्स रेगुलेशन है जो आज डाल दिए जाएंगे ग्रुप में। वेरी गुड स्कंद चक्रण, बहुत बढ़िया संध्या मैम, एक्सपर्ट है एकदम। हाँ देखो रोटेट कितना अच्छा कर रहे हो, गाल के पास में लाके पूरा स्कंद चक्र, आप थक तो नहीं रहे हैं? जो थक रहा है प्लीज बता दीजिएगा मुझे, है ना, जैसे बहुत लाइट सीरीज उठाई है हमने, जो हर व्यक्ति कर सकता है। यस, स्कंद चक्रण हो गया, ग्रीवा संचालन, डीप इनहेल और होल्डिंग पोस्चर है ये, गले को स्ट्रेच दीजिए, गले को स्ट्रेच दीजिए, हाँ एक्सहेल, डीप इनहेल,
एनएक्से छोड़ूंगी नहीं, आज 7:30 बजे तक करवाऊंगी वर्कआउट में। अभी देखना आप, एडवांस एडवांस आसन आएंगे अभी। ये तो बीच में सूर्य नमस्कार के बाद एक लाइट 10-15 मिनट का डालना पड़ा क्योंकि सब लोग थक गए थे। हाँ वेरी गुड, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, साइड बेंडिंग, यस साइड बेंडिंग, यस गर्दन को घुमाइए, ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं इसको, ब्रह्म मुद्रा, भगवान सिंह जी दर्शक मत बनिए, रोटेट करो नेक को। हाँ डीपली, जब पीछे नेक जाएगी तो सांस लेंगे, जब आगे नेक आएगी तो सांस को छोड़ेंगे। वेरी गुड, सुप्रभात अरुण सर, अरुण आनंद जी वाला सर, सुप्रभात। चलिए अब आ जाओ, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करके आपको कुछ चीजें सिखाती हूँ। मंडूकासन, मंडूकासन में आ जाओ। अब डायबिटीज सीरीज चलेगी जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए है ना, जिनको डायबिटीज हो गई है या जिनको नहीं हुई है ना हो, इसलिए मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे, इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे। सभी को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई, आज भैया दूज है, भाई दूज, आज फिर खाना खाओगे पूरी। yes. अब डिपिनियल करना है, हमने किया था है ना, बटक से आपका पैर नहीं उठना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, पूरी तरह सांस को बाहर छोड़ के हाथों को इस तरीके से ऐसे कर दीजिए। अब आपके बटक्स जो है, आपके जो हिप्स है, वो कभी भी पैर के ऊपर उठे तो असर नहीं आएगा, आसन का असर नहीं आता है। डायबिटीज के 5-6 आसन करवा रही हूँ मैं आपको, रेगुलर करना है। मुष्टि बांधो, यहाँ पर लोअर एब्डोमेन पे प्रेस करो और आगे जाके हाथों को इस तरीके से। हाँ ना, एक्सेल करना है, पूरी तरह सांस छोड़ना है और इनहेल करते हुए ऊपर आना। वापस एक्सेल करिए, पूरी तरह सांस छोड़िए, एक बार और सांस लीजिए। पेंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारे शुगर को डाइजेस्ट करता है। पर चूंकि हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो वो
पहले तो रुकता है, उसके बाद एकदम से जब आप लूज करते हो तो वो फिर सिक्रीट होना चालू होता है। इनका सेकंड टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें बहुत हेल्पफुल है। डीपी ने जोर से प्रेस करना है यहाँ पर, है ना, और सांस छोड़ते हुए, पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए इसको प्रेस करके आगे। रिलीज। तले का आसन बताया था, मत्स्येन्द्र आसन ट्राई करेंगे आप लोग। मत्स्येन्द्र आसन, दोनों पैरों को प्रारंभिक स्थिति में लंबे में लेके आएंगे। एक पैर को इस तरीके से क्रॉस करिए, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन बोलते हैं, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। इट इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज के बहुत अच्छे इसमें। यहां पर एक पैर को फोल्ड किया, एक पैर को पीछे ले गए, ऐसा जिसका जितना जा रहा है हम, क्योंकि आगे पेट पे ऊपर फैट होगा ये नहीं जाएगा। अब ये यहां पर हाथ रख के भी कर सकते हो, और ऐसे पीछे हाथ रख लीजिए और अपोजिट साइड देखिए। ट्विस्टिंग पोस्चर है, स्पाइन को ट्विस्ट किया है हल्का सा, फेस अपोजिट साइड। आगे गया हुआ सर, ठीक है, पीछे गया हुआ हाथ, आगे गया हुआ हाथ, आगे गया हुआ पैर और मुड़ा हुआ पैर। इस तरीके से आसन में जाने का तरीका और आसन से आने का तरीका। वापस पैर सीधा करेंगे, सेकेंड लैग को क्रॉस करेंगे इस तरीके से, ये ठीक है, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। इस पैर को उठा के इस पैर के पीछे यहां से इसको करना है, ठीक है, ऐसे पकड़ लीजिए और साइड देखिए, अपोजिट साइड। स्माइल ऑन योर फेस, आगे गया हुआ सर, आगे गया हुआ हाथ, मुड़ा हुआ पैर, दूसरा मुड़ा हुआ पैर वापस। दूसरा आसन था डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। तीसरी चीज ये वाला, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। ट्विस्टिंग पॉस्चर, ट्विस्टिंग पॉस्चर इज गुड फॉर डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। जितने भी पॉस्चर होते हैं, हमने स्टार्टिंग की थी अर्धचक्र आसन से, जो मैंने आपको ये वाला पॉस्चर बताया था, ये इट इज गुड फॉर डायबिटीज, इट इज गुड फॉर ब्लड प्रेशर पेशेंट, जो आपको शुरू में कराया था, है ना। ये अगेन यहाँ पर इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो रही है। जितने भी ट्विस्टिंग पोस्चर होते हैं दे आर गुड फॉर डायबिटीज। अब ये पैरों को सीधा करेंगे, इस पैर को यहाँ पर मोड़ के ऐसे रखेंगे, रख लिया। अब ये वाला हाथ अपोजिट हैंड सामने लेके आएंगे, सीधे यहां पर रखेंगे ये हाथ इधर। अब ये हाथ ऐसे टेकना नहीं है, अगर आपने टेक लिया तो ये पॉस्चर गलत हो जाएगा, इस हाथ पे लोड नहीं आना चाहिए, ये हाथ बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है, ये हाथ बिल्कुल फ्री है। अब आप पहले सामने देख रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं किसको, स्पाइन को और पीछे की तरफ। अगेन दिस इज ट्विस्टिंग पॉस्चर। फिर पीछे गया हुआ सर, आगे गया हुआ हाथ और ये मुड़ा हुआ पैर सीधा। अंडरस्टैंड? अब सेकेंड लेग से इसी पोस्चर को करेंगे। इट इज गुड फॉर डायबिटीज, इट इज गुड फॉर बीपी पेशेंट्स, ठीक है। वापस आ जाएंगे इसी पोस्चर पे, एक पैर सीधा, दोनों पैरों को पहले प्रारंभिक स्थिति में लेके आइए, सीधा करिए, इसको मोल्ड करेंगे ऐसा, ऐसा करेंगे। अब आपकी बॉडी स्ट्रेट है, बैक आर्च है, सेकेंड हैंड सीधा अपोजिट साइड यहां पर लगा लेंगे, ठीक है, ये इधर
ठीक है, अब ये फेस ऐसा जाए। यहां पर लोड नहीं आना चाहिए, हाथ ऐसा टेक दिया तो पूरा आसन ही गलत है। अगर इसको ऐसे टेक दिया, हाथ पे लोड ले लिया, हाथ पे लोड नहीं लेना है, ट्विस्टिंग पोस्चर है, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट, बैक आर्च, हैंड फ्री। होल्डिंग करेंगे, स्त्रा सुखम आसनम। आसन की क्या डेफिनेशन है? स्त्रा सुखम आसनम। स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पे स्माइल। आगे गया हुआ चेहरा, आगे से हाथ, ये वाला हाथ, आगे। अब हम करेंगे सिंहासन। देखो आज 7:30 बजे तक मैं ही करवाऊंगी आपको। दोनों वज्रासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन, वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए अंदर, या फिर ऐसे रख लीजिए उल्टे, ऐसे। आ गया समझ में? ऐसे। अब क्या करना है आपको? जीवान को बाहर निकालना है और शेर के जैसा दहाड़ना है। जैसा दहाड़ना है, शेर जैसा दहाड़ता है ना जीवान निकाल के जोर से। इट इज गुड फॉर हाइपोथायरायडिज्म, विशुद्धि चक्र पर बहुत जबरदस्त काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बहुत जबरदस्त बूस्ट करता है। लेकिन ये जितनी जीवान बाहर निकाल सकते हो ना, मैक्सिमम निकाल दो, ठीक है? और जोर से चिल्लाओ, बिल्कुल आपको ओपन है, आपकी आवाज तो मेरे तक भी नहीं आ रही, मेरी आवाज तो आप तक जा रही है, पर आप तो सब म्यूटेड है, खूब चिल्ला सकते हैं घर घर के अंदर रह के, ठीक है? डिपिनेल, एलेक्सेल, अगेन वंस मोर, डरना मत आप मुझसे। चलिए आ जाए वापस, कल के जो हम एक्टिविटी है वो कर लेते हैं। पहले जानू सिरा को, एक पैर सीधा, एक पैर मुंडे। ये क्या होता है? सर्वाइकल, ये होता है थोरेसिक, और ये होता है लंबर रीजन। ये ध्यान रखना, ये लोअर जो होता है इसको लंबर बोलते हैं। आपको लंबर से हमेशा, जब भी फॉरवर्ड बेंड करते हैं, लंबर से जाइए, लंबर रीजन से, ठीक है? आगे जाओ, पीछे, जिनसे नहीं लग रहा आगे जाओ, पीछे आगे जाओ, पीछे आओ। तो ये जो आसन आपको बताए मैंने आज, मंडूकासन, अर्धमत्स्येन्द्र आसन और सिंहासन, डायबिटीज और वक्रासन, ये जितने आसन आज आपको बताए, इनकी प्रैक्टिस आपको शाम को करनी है, 5 से 6। आज इवनिंग सेशंस ऑफ रहते हैं, ठीक है? अब क्या करना है, ये आपने इसका ड्रिल कर लिया, अब इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ के, हाथों को नीचे टेक के, और चेहरे को, चिन को कहाँ लगाना है? घुटने पे, और जो बैकबोन है बिल्कुल सीधी, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए। अननेसेसरी बॉडी को फोर्स मत करिए, पर जहां तक पेन होता है वहां तक तो लेके जाना जरूरी है। स्टार्ट करेंगे, रिलीज। सेकेंड लैग, दूसरे लैग से वापस वही ड्रिल। आप में से अगर कोई थक रहा हो ना तो प्लीज बता देना मुझे, हाँ, क्योंकि आप 6 बजे से कर रहे हो। अब हाथ नीचे रख के, अब
रिलीज। बहुत बढ़िया, दोनों पैर को ओपन कर लीजिए, ओपन योर लेग्स। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मसल्स को लूज कर लेंगे, आपको ऐसे जाना है। देखिए यहाँ पर हाथ रख लीजिए, ऐसे ऐसे हाथ रख लो, 1 2 3 ऐसे ऐसे करो, ताकि ये हैमस्ट्रिंग मसल आपकी थोड़ी सी खिंचा जाए। ठीक है, वन टू थ्री, हाँ खींचो, फोर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, खींचो, इलेवन बॉडी को खींचो, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन 15 16 17 18 19 20, रिलीज। हाथों को ऐसे ले जाओ, ड्रिल करिए ये वाली, 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 चलिए, भूमि नमन करेंगे, भूमि नमन, इसको ठोक दो, हाथों को यहां तक लेके जाओ। अब भूमि नमन स्टार्ट, भूमि नमन, जिससे जितना बन रहा है उतना करो। वेरी गुड संध्या सत्यार्थी मैम, पूरा पूरा आसन लग गया संध्या में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूरा भूमि नमन लगा के छाती टेक दी है मैडम। रिलीज रिलीज संध्या मैम, बहुत बढ़िया। चलिए प्राणायाम करेंगे, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए। आराम से बॉडी स्ट्रेट, बैक आर्च, बॉडी स्ट्रेट, पद्मासन में बैठ जाए, अगर आप लगा सकते हैं पद्मासन तो पद्मासन लगा लीजिए। सबसे पहले अपनी दाई नासिका को प्रेस करके विष्णु मुद्रा बना के अपने बाई नासिका से 50 बार एक्सहेल इनहेल। अब अपनी बाएं नासिका को प्रेस करके अपनी दाएं नासिका से 50 बार इनहेल। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम। नाड़ी शोधन आपको सिखाया था मैंने, नाड़ी शोधन करते वक्त जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं बिना होल्डिंग के, नाड़ी शोधन में होल्डिंग होती है, आंतरिक कुंभक लगता है,
वायु नासिका से सांस लेना है, सांसों को पेट के अंदर होल्ड करना है, जितनी देर सांस ली उससे 4 गुना समय सांसों को होल्ड करने में लगाइए और उससे दुगना समय अपोजिट नॉस्ट्रिल से छोड़ने में लगाएंगे। हमें सिर्फ 2 बार नाड़ी शोधन करना है। कितना? 2 बार, ओनली 2 टाइम्स। होल्डिंग के साथ आंखें बंद, विष्णु मुद्रा, डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। यस, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। कानों को अपने अंगुष्ठ से बंद कर लीजिए। इस तरीके से उंगली रखेंगे, सांस लेंगे और भंवरे की गुंजन करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ये जो दो प्राणायाम टारगेटेड है वेट लॉस के लिए, वजन कम करने में बहुत मदद करते हैं, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। हमारे पास समय सीमा कम रहती है इसलिए हम आपको कम समय तक कराते हैं। शाम को आपको इन्हीं एक्सरसाइजेस को रिपीट करना है ताकि आपको इसके अच्छे परिणाम मिल सके। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम, डीप इनहेल, डीप अब लेट जाइए। लेट जाएंगे, लाई ऑन अ मैट, अपनी मैट पर लेट जाएंगे। पैरों को फोल्ड कर लीजिए तरीके से। सांस लेना है, पेट को बलून की तरह फुलाना है और धीरे से सांसों को रिलीज करना है। दिस इज गुड फॉर रिलीजिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। आपके शरीर से आपके विजातीय कणों को निकालने में बड़ा मदद करता है। डीप इनहेल, डीप इनहेल, मोर टाइम डीप इनहेल। दोनों हाथों को ओपन कर लीजिए, दोनों पैर चौड़े कर लीजिए, आंखें बंद, शवासन में लेट जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स योर बॉडी, पूरी हाथ पैर को ढीला छोड़ दीजिए। योग निद्रा करेंगे 5 मिनट के लिए।
अपने सीधे पैर पर ध्यान लगाएंगे। अब अपने उल्टे पैर पर ध्यान लगाएंगे। अपनी कमर पर ध्यान लगाएंगे। अपने पेट पर ध्यान लगाएंगे। अपनी छाती पर ध्यान लगाएंगे। अपने गले पर ध्यान लगाएंगे। अपने सीधे हाथ पर ध्यान लगाएंगे। अपने उल्टे हाथ पर ध्यान लगाएंगे। अपने मुंह पर ध्यान लगाएंगे। अपने मस्तक पर ध्यान लगाएंगे। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। आपकी सांस जा रही है, आपकी सांस आ रही है। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। अपने रिलैक्स योर बॉडी। पूरे शरीर में को ढीला छोड़ देंगे। सांसों पर ध्यान लगाएंगे। आंखें बंद। आंखें बंद। धीरे से करवट लेके उठेंगे। धीरे से करवट लेके उठिए। रबियत पाम अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करके अपने नेत्रों पर हाथ रखकर, कंठ पर, गले पर, अपनी नाभि पर हाथ रख के भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता का स्मरण करिए, अपने गुरु का, अपने आराध्य, अपने इष्ट का स्मरण करेंगे, भूमि प्रणाम करेंगे। और कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गौरी, सात प्रभाते करदर्शनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ आज का दिन आपका भाई दूज का दिन बहुत मंगलमय जाए और खूब तो खुशियां हो आपके घर में और आपको स्वास्थ्य मिले, आपको पैसा मिले, सब कुछ मिले, इसी कामना के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रभात सभी को। सॉरी, आज आपको मैं गलत मैसेज दे दिया। 6 बजे का संडे हमारे सेशन 6:15 बजे से होते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो कुछ मेंबर्स जो नए थे वो शायद वेट कर रहे होंगे 6 बजे से कि ओपन होगा, बाकी संडे 6:15 बजे से रहता है, बाकी 6 बजे। बस जो नए मेंबर्स हैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। केक तो पीना है आपको, या जो नाश्ता आपको बोला है वो तो करना ही करना है। लेजर कहाँ चला गया? डीप स्लीप में चले गए थे। योग निद्रा, योग निद्रा जो होता है, अभी हमने देखा है, अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था हार्ट डिसीजेस के बारे में कि हार्ट अटैक क्यों आते हैं। तो अभी एक नई रिसर्च निकली है कि लोग प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं इसलिए हार्ट अटैक आ रहे हैं। और जो लोग कम नींद ले पाते हैं उनके लिए बेस्ट चीज है कि वो योग निद्रा करें। मतलब योग निद्रा मतलब
जो आज हमने एक एक 5 मिनट का आपको एक ट्रायल दिया था योग निद्रा का, मतलब आप आंखें बंद करके हाथ ऊपर करके लेट जाएंगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हुए टारगेटेड मेडिटेशन टाइप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज योग निद्रा। तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए जिससे कि रिलैक्सेशन मिले बॉडी को और हार्ट बीट हमारी पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, मेरा नाम मेघा चंदेल है, जस्ट होल्ड डाउन, यस। और मैं उज्जैन को बिलोंग करती हूँ और मैं लगभग 2002 से, या बोले तो 2004 से एज ए प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन की तरह काम कर रही हूँ, आहार सलाहकार की तरह। और 7-8 साल से हम लोग लाइव सेशंस ले ही रहे हैं कंटिन्यूअस और हमारे मेंबर्स को रिजल्ट आ रहे हैं। कल हमारा जो है चैलेंज चालू हो रहा है, तो जिन लोगों ने इनरोलमेंट नहीं कराया है वो आज कृपया करके अपना इनरोलमेंट करा देंगे। क्योंकि ये चैलेंज में आप ऐसा मत समझिए कि हमें जो है क्या डाइट आएगा, डाइट तो चैलेंज ग्रुप में आता है, या हमें रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, हम 500 रुपये क्यों दें, है ना। 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन रहता है इसका, बहुत ही नॉमिनल रजिस्ट्रेशन है। और यदि आप जीते तो आपको गिफ्ट मिलती है और वो गिफ्ट जो है उसके पैसे मायने नहीं रखते हैं, उसका जो है रिकग्निशन मायने रखता है। गिफ्ट कितने की है ये मायने नहीं रखता है, गिफ्ट मिलती है उससे जो आपको रिकग्निशन मिलता है कि आपने 21 दिन में जो है इतना वजन कम किया है, इतना वजन बढ़ाया, दैट रिकग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपने देखा होगा कि पद्म विभूषण जो रोल लोग रहते हैं उनको तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक छोटी सी शील्ड मिलती है, पर वो शील्ड बहुत मायने रखती है उनके लिए, है ना। जैसे जो मेडल लाते हैं ओलंपिक्स में, है ना, ओलंपिक्स में कितनी मेहनत करके वो लोग मेडल लेके आते हैं, तो वो मेडल को ऐसे ऐसे लटका के घूमते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो मेडल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस मेडल को लाने के लिए वो करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं प्रैक्टिस में, पर वो मेडल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 15 से 20-25 लोग जितने भी इनरोल हुए हैं, हम हार्डली ये देखेंगे कि कितने इनरोलमेंट हुए हैं। हमारे पास 5, मैंने आपको कल बताया था, 5 इनरोलमेंट होंगे तो भी कल से चैलेंज चालू है, 2 इनरोलमेंट होंगे तो भी कल से चैलेंज। वैसे मैं आपको बता दूं, कल्पना मैम के अकेले 5 रजिस्ट्रेशन है, मेरे खुद के 5-10 रजिस्ट्रेशन है, 15-20 मेंबर तो हमारे आराम से हो चुके हैं और ज्यादा ही हो जाएंगे। वैसे 100 टच करने का टारगेट रहता है, पर हम अभी टारगेट लेके नहीं चल रहे, हमें क्या करना है, हमें बैक टू बैक चैलेंज चलाने हैं। तो अभी हमारे पास जितने रजिस्ट्रेशन आएंगे हम उसमें चैलेंज थ्रो करने वाले हैं, तो देर इज नो टारगेट। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इतने होंगे तो ही चालू करेंगे, उतने होंगे तो ही चालू करेंगे, क्योंकि हमने एक चीज नोटिस करी है कि रेगुलर चलाना ज्यादा जरूरी है और क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। हाँ, 20 लोग होंगे तो हम उन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, हमारे कोचेस उनको कॉल करेंगे, आज आपने खाने में क्या खाया है, आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, आपको सारी फोटो उसमें अपलोड करनी पड़ेगी, किसमें, जो ग्रुप आपका बनेगा। तो फटाक से फोटो खींचना है अपना शेक का, कट और अंदर डालना है ग्रुप में, और जो लोग नहीं डाल सकते हैं वो क्या करेंगे, पेपर और पेन नीचे से, कई लोग बिजी भी है, एक डायरी में आप लिखेंगे दिन भर, आज आपने दिन भर में क्या खाया, उस डायरी की फोटो खींचिए और उस डायरी का पेज का फोटो पिक्चर जो है आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि एक हम भी मॉनिटर कर पाएंगे कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, है ना, और आपको रिजल्ट आएंगे। जो इंटरेस्टेड है वो अभी अपने कोचेस को बता दीजिए कि आप इंटरेस्टेड है, आज शाम तक का समय है, मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं इट पे, स्पेशली कोचेस से, कोचेस से, है ना। और एक चीज और है, कोचेस को भी अपना वेट डालना है ग्रुप में, जितने कोचेस है उनको भले ही पार्टी, उनको गिफ्ट नहीं मिलता, कोचेस को कभी गिफ्ट नहीं मिलता। मैं अपना 10 किलो भी वजन कम कर दूंगी तो आई विल नॉट बी लाइबल फॉर द गिफ्ट, आई विल गिव गिफ्ट टू माई मेंबर्स, पर मुझे अपना वेट डालना है, मुझे अपनी एक्टिविटी डालना है, मैं कितने बजे शेक पी रही हूँ, मैं कितने बजे टैबलेट्स खा रही हूँ, सारी एक्टिविटी मेरी ग्रुप में कल से डलने वाली है, 21 दिन तक डलेगी, 22वें दिन नहीं डलेगी, सिर्फ 21 दिन ही डालना है मुझे, है ना। पर एक बात और बता दूं, जो लोग बिजी है व्यस्त है वो ऐसा ना समझे कि हमें फोटो डालना पड़ेंगे इसलिए हम चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप फर्स्ट डे का वीडियो, लास्ट डे का वीडियो डाल दीजिए, इन केस यदि आप कल का फर्स्ट डे का वीडियो नहीं भी डाल पाते हैं तो जब भी आप फर्स्ट डे का वीडियो डालेंगे वो वजन आपका पहला माना जाएगा, ठीक है। और आप 5,000 स्टेप्स की या 10,000 स्टेप्स की फोटो भी डाल सकते हैं, घड़ी आती है स्मार्ट वॉच, है ना,
वो आपके पास नहीं है तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पेसर ऐप करके आता है, PSER पेसर ऐप। वैसे तो आजकल हर मोबाइल में वो आने लगे, स्टेप काउंटर आने लग गए, हर एंड्रॉयड मोबाइल में आने लगे। तो आपको क्या करना है, मोबाइल हमेशा जेब में रखना है, और जब भी आप वॉक करेंगे 5,000 स्टेप की फोटो खटाक से स्क्रीनशॉट खींच के और ग्रुप में डालना है। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? तो जितने मेंबर्स इनरोल नहीं हुए हैं, फटाफट अपने कोचेस को अमाउंट ट्रांसफर करें और कल से हमारे इस चैलेंज का हिस्सा बनिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप 6 बजे से मेरे साथ लगातार 1.25 घंटे से आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप बता देंगे। अब 2-वे कम्युनिकेशन होगा। यस, अभी मैंने सबको आपको अनम्यूट कर दिया, अब आपको राइट दे दिया है। अब एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, किसी की भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज है कल के चैलेंज से रिलेटेड, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है क्या? नहीं है, ठीक है। तो जिनकी कोई क्वेरीज और क्वेश्चन हो वो अपने कोच से बात करेंगे, उनके कोच को सब पता है। यस, एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन? रुमाना फिरोज मैम, रुमाना मैम, हाँ आप अनम्यूट करना चाह रहे हैं पर आपको शायद आ नहीं रहा है। हाँ रुमाना फिरोज मैम अनम्यूट करेंगे। यस मैम, यस मैम, आपकी क्या क्वेरीज है? मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जिनका चैलेंज लेने के लिए। जी, आप इंटरेस्टेड हैं, आपके कोच नीलम नाहर मैम है, आप जी उनको अमाउंट दे दीजिए और वो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, है ना? मैम, तो कितना अमाउंट 500 ओनली, 500 ओनली, है ना? तो आप उनको या आपकी सुपर कोच है अनामिका चौहान मैम, उनसे बात करिए देना? आप, जी आपके पास नंबर है ना? रश्मि मैम, रश्मि मैम, रश्मि मैम फ्रॉम बड़नगर, चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है मैडम कल आपको, ठीक है? आपकी सुपर कोच जीनत खान मैम है, उनसे बात करेंगे आप, ठीक है? आपकी सुपर कोच जो है उनको आप अमाउंट देंगे, ठीक है ना? तो भारती गुप्ता मैम, आर यू टेकिंग पार्टिसिपेशन, आप कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे? भारती गुप्ता मैम, भारती गुप्ता मैम, मैडम। यस भारती मैम, हाँ अनम्यूट करेंगे, भारती मैम अनम्यूट करेंगे। नहीं हो रहा क्या अनम्यूट? हाँ हो गया, यस मैम, आप भी करिए मैम पार्टिसिपेट। मैम करूंगी अनामिका मैम से बात, अभी तक दिवाली में बिजी थी तो सेशन भी वो नहीं कर पा रही थी, ज्वाइन आज से किया है। चलिए आपका रिजल्ट ही शेयर कर दीजिए आज तो आप कहाँ से हैं और आपको क्या रिजल्ट आया, शेयर कीजिए मैम सामने आ जाइए, मैम स्क्रीन के सामने आ जाइए मैम, प्रॉपर आपका फोटो आएगा। हाँ आ जाइए, हाँ आपका रिजल्ट शेयर कीजिए मैम, आप कहाँ से हैं, टोटल आपको क्या फायदा हुआ। यस मैम, जी मैम, मैं भोपाल से कनेक्ट हूँ, मेरी कोच अनामिका मैम है, और 2009 में मेरे ये थायराइड ऑपरेट हुआ था, इतना था, आधा किलो का ये ऑपरेट हुआ था, पर अभी उसके बाद से हुआ नहीं, पर अब ये दिखने लगा था, पर जब से क्लासेस ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत आराम है मैम। मेरे शुगर 400-300 आ रहा था, अब मेरा 80-70 आ रहा है, तो डॉक्टर भी चकरा गया कि इतना शुगर कैसे कम हो गया। और थायराइड भी मैम बहुत ज्यादा था, अब मेरे मतलब ये मैंने 7 महीने से ज्वाइन किया है, तो मेरा थायराइड है, क्या बोलते हैं, 60 mg की टेबलेट लेती थी, अब मैं 50 mg की टेबलेट ली, और शुगर कंट्रोल है मैम, मेरा 20 kg वेट कम हुआ है 7 महीने में। हेलो मैम, इससे अच्छा रिजल्ट तो मिल ही नहीं सकता है मैम, अब हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए। मेरा 89 वेट था, अब मेरा 72 हो गया है, मतलब 6-7 महीने में, और इंचेस भी मेरे 8-8 इंच कम हुए हैं, मतलब मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं कैटरिंग का बिजनेस है, मतलब मेरे हस्बैंड डेढ़ साल हो गए, तो मैं बहुत सैड हो गई थी मैम। तो अनामिका मैम मेरे पड़ोस में है, मेरी पड़ोस में रहते थे हम लोग दोनों जन, तो वो हमेशा कहती थी भाभी ज्वाइन करो ज्वाइन करो, पर मैं इतनी सैड थी, तो एक दिन मेरे को अचानक नारे आ रहे थे भाभी से बात करती हूँ, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया मैम, तो मैं बहुत मतलब खुश रहने लगी हूँ, अब अपने आप को मतलब बहुत पैर पैर घुटने नहीं खुलते थे, पैर नहीं, अब मैं सब एक्टिविटी करने लगी हूँ, और मतलब मैंने अपने बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया, मतलब खुश रहने लगी हूँ,
और अब पार्लर में भी कस्टमर आते तो कहते हैं अरे भाभी आप बहुत दुखते हो, क्या बात है, अब आप बहुत अच्छे लगने लगे, मैम तैयार हो तो तुमको अच्छा लगता है अपने आप को भी, कह रहे वाह साड़ी वाड़ी पहनो तो मस्त मजा आता है। ये देख के मेरी भाभी ने ज्वाइन किया, मेरी बहन ने ज्वाइन किया, मतलब तो काफी लोग अब मुझसे इम्प्रेस थे, तो वो लोग भी बोलते हैं अरे हमें भी ज्वाइन कराना, तो मैम बहुत फायदा है मुझे, आप लोगों के बहुत अच्छा योगा कराते हैं, आप है, अनामिका मैम है, जीनत मैम है, दीपिका मैम है, आप है मैम, आप लोग बहुत अच्छा योगा कराते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच मैम। अब हम इनवाइट करेंगे प्रियंका शर्मा मैम, देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट है, शुगर कंट्रोल, थायराइड कंट्रोल, 20 kg वेट लॉस, कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ आई विल इनवाइट प्रियंका शर्मा मैम फ्रॉम भोपाल। यस मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। दीदी, मेरा प्रियंका शर्मा नाम है और मैंने 19 किलो वेट अपना लॉस किया है बहुत अच्छे से, और क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी मैडम है ना संजू मिश्रा है। हेलो और क्या क्या फायदा हुआ आपको क्लब में आने से? दीदी, मुझे है ना मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था, वो भी धीरे धीरे कम हो गया है। हेलो दीदी, रेगुलर मैं आप हाँ एक्सरसाइज में रेगुलर? दीदी, हाँ दीदी, एक्सरसाइज में तो रेगुलर रहती हूँ, सुबह शाम दोनों की क्लास ज्वाइन करती हूँ। आपको कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है? नहीं दीदी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थायराइड है, तो वो तो टाइम की मेरी गोली चलती है। अच्छा, आगे आप चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे अभी? हाँ दीदी करेंगे, मैंने दीदी से बोल दिया है संजय मैडम से कि मेरा भी लेना, आप लिखवा देना, मैंने वेरी गुड, अगले मंथ में भी करा था। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए 20 किलो वजन कम हो गया, उसके बाद भी चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द स्पिरिट। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका शर्मा मैम एंड भारती गुप्ता मैम, बहुत बहुत बधाई। और थायराइड के साथ, थायराइड की बीमारी के साथ दोनों ने, भारती गुप्ता मैम और प्रियंका शर्मा मैम ने अपनी थायराइड की बीमारी को कैरी करते हुए 20 kg वेट लॉस किया, और स्टिल दे आर पार्टिसिपेटिंग इन वेट लॉस चैलेंज, और अभी ये कल से वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, और इसी तरीके से नए रिजल्ट हमें थ्रो करने हैं, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग अब कल सुबह मिलेंगे 6 बजे, आज शाम का अवकाश रहता है, इवनिंग सेशंस आर ऑफ टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। एंड कर दें।